वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको कहते हैं वेलकम हमारे छोटे से चैनल डिजिटल क्रिएटर में। दोस्तों वेलकम करते हैं तमाम लोग जो नए आए हैं हमारे इस चैनल पे, तो उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी तमाम लोग जो हमारे ये कंटेंट्स हम जो बनाते हैं उसको बगौर सुनते हैं और उस पर अपने प्यारे से कमेंट्स भी छोड़ते हैं, तो उनको बड़ी मेहरबानी तमाम लोगों की जो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं गूगल का अकाउंट क्रिएट करना। जी हाँ, गूगल का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे आज। अच्छा दोस्तों, अगर आपकी जीमेल आईडी है ना, वो भी ओपन नहीं होगी जब तक कि आप गूगल अकाउंट नहीं खोलते, क्रिएट नहीं करते गूगल अकाउंट, या आप प्ले स्टोर में भी कोई चीज़ भी डाउनलोड नहीं कर सकते अगर आपके पास अपनी जीमेल आईडी नहीं है। तो ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं इजीली जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज इसी सिलसिले में हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह आप अपना जीमेल एड्रेस हासिल कर सकते हैं। बस आपके पास एक सेलफोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, ईजी है बिल्कुल। तो बगैर किसी देर के हम चलते हैं अपने आप के मैसेज की तरफ और हम चलते हैं गूगल क्रोम में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल क्रोम में। दोस्तों आपके सामने मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम की एप्लीकेशन ओपन कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे गूगल। सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल लिखेंगे, ठीक है। हम गूगल यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, सर्च करेंगे। अच्छा, इसको हम ओके कर देंगे। ठीक, कुछ सेटिंग्स आ रही हैं क्रोम की, लेकिन हम इसको स्किप कर देते हैं। google.com लिख के बाद हम सर्च करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाता है। तो हमको क्या करना है, हमें करना है जीमेल आईडी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ जाना है हम आपको बताएं। अच्छा, तो सबसे पहले आपको साइन इन का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे, उसको हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो पहला अकाउंट में शो हो रहा है वही आपके सामने शो हो रहा है, लेकिन अगर हम दूसरा अकाउंट मैनेज करना चाहें तो यहाँ पे। हाँ, आपके पास ये मसला हो सकता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरी पहली आईडी बनी हुई है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन शो नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं। एक मिसाल के तौर पर आपको दो आईडियाँ चाहिए जीमेल की, आपको दो आईडियाँ चाहिए, एक बनी हुई पहले से। जब आप अप्लाई करते हैं बनाने के लिए तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाता है, वो ऑप्शन ही नहीं आते। कोई मसला नहीं, आप बैक चले जाइए, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा किस तरह आप दूसरा अकाउंट जीमेल का भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे मैं अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। अकाउंट पे ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी जीमेल आईडी है यहाँ आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। मैंने दो ही जीमेल आईडी थी यहाँ पे, जीमेल आईडी तो दोनों यहाँ पे शो हो रही है। हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे को एक दूसरा अकाउंट चाहिए, तो क्या हम करेंगे, ऐड अकाउंट में यहाँ पे ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे को जीमेल अकाउंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, गूगल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा। अभी क्या मांग रहा है, इंटर दी लॉक स्क्रीन पासवर्ड, यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना होगा तब जाके ये ओपन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड अपना लगा लिया, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन होने जा रहा है, थोड़ा हमको वेट करना होगा। यहाँ पे देखिए अब आपके सामने ऐसा कोई इंटरफेस शो होगा। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको नया अकाउंट चाहिए तो हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट में जाएंगे। अच्छा अभी दो ऑप्शन आपके सामने शो होंगे इस तरह के। अभी ये कह रहा है कि फॉर माय सेलिब्रिटी, आप सिर्फ अपने लिए आप बनाना चाहते हैं पर्सनल के तौर पर, या फिर आपका कोई बिजनेस है, आपका कारोबार है तो उसके लिए बनाना चाहें तो अभी दूसरा ऑप्शन नीचे वाला, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर सिर्फ आप अपने लिए ही बनाना चाहते हैं माय सेल्फ, तो माय सेल्फ पे ही क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे फॉर माय सेल्फ पे क्लिक करते हैं हम लोग। अच्छा उसके बाद क्या हम करेंगे, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, आपका जो भी नाम हो ठीक है वो आप यहाँ पे एक्सपायर डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर। चलो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ ठीक है सद्दाम, और लास्ट में ऑप्शन मैंने लिख दिया ठीक है सद्दाम हुसैन मेरा पूरा नाम है, तो यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिख दिया है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होगी, अपनी बुनियादी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी आपको। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेज लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अपनी ठीक है, जो भी है मिसाल के तौर पर कोई भी लगा लो आपकी, जो भी हो वही आप यहाँ पे एंटर करनी है। मैं अपने हिसाब से एंटर कर रहा हूँ, आपकी जो भी रियल होगी वो यहाँ से एंटर करेंगे ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यस लिखेंगे, वो भी जो होगा एक्यूरेट आपने वही एंटर करना है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये पूछ रहा है कि आपकी जेंस क्या है, ईमेल मेल जो भी आपका कस्टम में, जो भी आप जिससे भी आप रिलेटेड हैं, मेल हैं तो मेल को सिलेक्ट कीजिए, फीमेल हैं तो सिलेक्ट कीजिए फीमेल को, वरना कस्टम पे छोड़ दीजिए। आपकी मर्जी, जो भी आपसे रिलेटेड हैं आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हम मेल पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अभी ये कह रहे हैं कि यूज़र नेम आपका क्या होना चाहिए, अभी तो आपने आईडी बनाई ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि आपका यूज़र आईडी कौन सा है, लेकिन यहाँ पे हम सर्च करेंगे, जो भी आएगा हम वो सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं SATA, नेक्स्ट करते हैं हम ठीक है। ये कह रहा है कि देखिए आपने जो नंबर यहाँ पे लगाया वो या तो कम है या तो पहले इस्तेमाल में है, यहाँ भी कह रहा है कि वो कम है, 6 नंबर कम है ठीक है, तो हम करेंगे दोबारा से। अभी ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल नाम है आपका वो ये है SADAMR609, ये अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना दूसरा भी सर्च कर सकते हैं ठीक है, लेकिन हमको बस ये लेना है तो हम यहाँ क्लिक करते ही ये नाम ऊपर आ जाएगा और आप अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपको शो होगा, इसके बाद आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बस लेकिन आपको क्लिक करना होगा। अभी यहाँ पे क्या पासवर्ड देना है, पासवर्ड यहाँ पे देना होगा मिसाल के तौर पर 007 यहाँ पे लिखा। फॉर एग्जाम्पल तौर मैंने ये लिखा है, आप कोई भी लगा सकते हैं ठीक है। अभी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, लेकिन मुझे अकाउंट नहीं बनाना इसलिए मैं आगे नहीं जाना चाहता। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो मेरा दो आईडियाँ पहली बनी हुई हैं, अभी तीसरी भी बन जाएगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। अभी आपको समझाता हूँ कि आप आईडी बनाने के बाद लॉगिन कैसे करेंगे ठीक है। अभी आपने आईडी बन जाएगी आपकी पूरी ठीक है, आपने जो भी आपकी आईडी बनेगी ना वो आपके सामने शो हो जाएगी ठीक है। अभी उसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आपने जो भी दिया है मिसाल के तौर पर मैंने ले दिया है, तो ये मुझे कॉपी कर लेना होगा ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि ठीक है। अभी हमने मिसाल के तौर पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया सही, अब हम इसको लॉगिन कैसे करेंगे, ये तो हुआ पहला स्टेप हमने अकाउंट क्रिएट किया। दोस्तों याद रहे कि मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि मैं नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी तीसरी आईडी बन जाएगी, मैं इसलिए तीसरी नहीं बनाना चाहता, ऑलरेडी मेरे पास दो अवेलेबल हैं तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। बस आपको यहीं तक समझाना, अभी आपको बताऊँ कि आपको लॉगिन कैसे करना है। अभी आप मिसाल के तौर पर आईडी अपनी बना ली तो आपको लॉगिन कैसे करना है ठीक है, अभी हमने वापस जाना है।
वापस जाना है और डायरेक्ट गूगल में आना है हमें। ये हम वापस गूगल में आते हैं, गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। क्रोम अच्छा चलता है, आप ये इस्तेमाल कीजिए, मेरे हिसाब से सही चलता है। तो हम क्या करेंगे, जीमेल लॉग इन यहाँ लिखेंगे। जीमेल लॉग इन लिखेंगे, जैसे आप जीमेल एलो लिखा है, देखिए मैंने सिर्फ एलो लिखा है, ऑटोमेटिकली लॉग इन आ गया। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ उसको। अभी आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, आप क्या करेंगे, गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। और सब एक आएंगे यहाँ पे, इसका ऑप्शन शो नहीं है, यहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है, अभी ये गेस्ट स्टार लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर दूसरा कोई अकाउंट आप बनाना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन हमें लॉगिन करना है, सीधे लॉगिन करना है। तो हमें क्या करना होगा, gmail.com पे आएंगे। यहाँ पर कोई लिंक इस्तेमाल का नहीं आ रहा था, पता नहीं किसके बाद आना चाहिए था, लेकिन वो इधर नहीं शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, साइन इन कर लेंगे। अगर फिर भी आपके पास मसला अनुसार के तौर पर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसलिए हो सकता है कि वो ऑप्शन यहाँ शो नहीं हो रहा, तो आप दोबारा से जाएंगे अपनी असली सेटिंग में, जहाँ सेटिंग में जाएंगे, आप ऑप्शन में जाएंगे, फिर हम जाएंगे अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद हमारे को दोबारा आना होगा एड अकाउंट में, ठीक है। फिर हमको आना होगा गूगल में, फिर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पे वेट करने के बाद अपना पासवर्ड डालेंगे दोबारा से, फिर थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन शो हो गया है, ठीक है। आपने जो ईमेल बनाई थी ना, हमने पहले आपको समझाया था थोड़ा ईमेल बनाने का तरीके का, अगर वो आपने बनाना, अभी मैं लास्ट में उसको सेलेक्ट करता तो बन जाती, इसलिए मैंने आगे आपको नहीं समझाया, लेकिन ये फाइनल स्टेप है ईमेल जीमेल बनाने का, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने मेरी जो आईडी है वो मैं यहाँ पे बनाई थी, वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाई थी आईडी मेरी जीमेल की, यहाँ पे .com लिख लेते हैं लास्ट में। अभी ये क्या साइन इन कर रहे हैं हम, मैंने कहा आपने कहा कि साइन इन के बारे में मैं समझाऊंगा, मैंने ये भी कहा था, लेकिन आपको भी वही समझा रहा हूँ जो मैंने कहा था। तो साइन इन पे हम जाएंगे, अभी मैंने अकाउंट नंबर यहाँ पे लगाया, आप फ़ोन नंबर भी लगा सकते हैं, प्लस में अकाउंट नंबर लगा सकते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये क्या लिखा हुआ, जिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जैक्ट हो गई हुआ है, क्योंकि अकाउंट मेरे पहले ही लगा हुआ है, लॉग इन किया हुआ है, इसलिए लॉग इन नहीं किया, ठीक है। अगर आपके पास दो अकाउंट पहले ही वर्क कर रहे हैं तो तीसरा अकाउंट बनाना वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं आई है तो आप बेशक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये लगाया लॉगिन के लिए, मिसाल के तौर पर मैं दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉगिन के लिए लगाया, ठीक है, अप्लाई किया, तो अभी ये ओके हो जाएगा। अभी अगर मेरी आईडी लॉगिन नहीं थी पहले, नहीं होनी चाहिए थी मिसाल के तौर पर, लेकिन अभी तो लगी हुई है, तो ये आगे चली जाती है। और यहाँ पे नीचे पासवर्ड का ऑप्शन भी आ जाता है, वो फिर मैंने पासवर्ड जो कॉपी किया था वो सिर्फ पेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैं पेस्ट करूँगा, वो आ जाएगा, यहाँ पे मैं पेस्ट किया वो पासवर्ड भी आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, फिर वो मेरी जीमेल आईडी नीचे लॉगिन हो जाएगी। और फिर मैं प्ले स्टोर भी चला सकता हूँ, मैं कोई डाउनलोडिंग वगैरह भी कर सकता हूँ। इसके अलावा दूसरे भी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, अगर जीमेल आपका अकाउंट नहीं है तो आपकी ये चीज़ें नहीं चलती। उम्मीद की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर थोड़ी सी मिस्टेक कोई गड़बड़ हो तो प्लीज़ सॉरी, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और उसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।